कोरोना वायरस संक्रमण से बचें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी ही बचाव है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं और देश को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करें। कोरोना वायरस होने के लक्षण: तेज बुखार, खांसी, सांस की कमी, सिर में दर्द। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के उपाय: मास्क का प्रयोग करें, खांसी होने पर मुंह ढक लें, साबुन से हाथ धोएं व नियमित रूप से सैनिटाइजर का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जानवरों से दूर रहें, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें। किसी भी प्रकार के लक्षण आने व इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु नजदीकी चिकित्सालय से मदद लें। कोरोना राजस्थान हेल्पलाइन 0141-222-5624। भीखाराम चानमल भुजियावाला की ओर से जनहित में जारी। शिवांगी शर्मा। बीकानेर में नगर स्थापना दिवस और अक्षय तृतीया का पर्व बीकानेर वासियों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आया। जिले में प्रशासन की सतर्कता, सजगता, कोरोना वॉरियर्स की मेहनत और आमजन के सहयोग से वैश्विक महामारी कोरोना पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। गौरतलब है कि 37 कोरोना पॉजिटिव मरीज बीकानेर में थे। एक महिला की मृत्यु के बाद 36 मरीज अब कोरोना मुक्त हो चुके हैं, परंतु आवश्यकता है अभी भी सतर्कता, सावधानी और लॉकडाउन के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने की। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों का। लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच आखा दिन का रंग दिखा फीका। जिला कलेक्टर ने कई क्षेत्रों का दौरा करके लिया व्यवस्थाओं का जायजा। लाल गुफा क्षेत्र में राज्य सरकार और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए डोर टू डोर व्यवस्था करवाई गई उपलब्ध। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में बीकानेर कोरोना मुक्त होने पर रखी गई मीटिंग। जामवाणी आदर्श ग्रुप द्वारा लॉकडाउन और कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की गई वितरित। SBI PP ब्रांच ने कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों के लिए उपलब्ध करवाई विशेष सुविधा। बीकानेर विकास की संभावनाओं और प्रयासों के लिए ऑनलाइन संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए आखा तेज का रंग दिखा इस बार फीका। ना ही तेज आवाजें सुनाई दी छतों पर और ना ही DJ बजे, ना ही आकाश में पतंग उड़ती हुई दिखाई दी। इस बीच वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम शाम के समय नथुसर गेट, जसुसर गेट, मोहता चौक, हर्षों का चौक, बारह बुआर, रतानी चौक आदि विभिन्न स्थानों पर गए और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने आम जन से अपील की कि वह घरों में ही रहे और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। अक्षय तृतीया और बीकानेर नगर स्थापना के दिन बीकानेर हुआ कोरोना मुक्त। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी दी बीकानेर वासियों को बधाई। अभी समाचार मिला है कि बीकानेर कोरोना फ्री हो गया है। ये बीकानेर वासियों की मेहनत है कि उन्होंने लॉकडाउन का पूरा पालन किया। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मेडिकल प्रशासन के अनुसार पूरा आचरण किया। मैं इस अवसर पर, और अवसर भी आखा तीज का है, बीकानेर वासियों को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूं कि अब आगे भी इसी तरह का सहयोग करते रहेंगे और कोरोना वायरस को परास्त करके ही दम लेंगे, कोरोना हारेगा। और राज्य सरकार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त आदेशों की पालना के लिए कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए डोर टू डोर सेवा उपलब्ध करवाई गई। मेडिकल यूनिट द्वारा लाल गुफा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा संचालित स्वास्थ्य व्यवस्था में 128 मरीजों ने स्वस्थ सेवाओं का लाभ उठाया, जिसमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह संबंधी
अनेक जानकारियों का इलाज करवाया। ये कैंप राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन और कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में जो क्रोनिक डिजीजेज हैं जैसे बीपी, शुगर, रीनल वगैरह, तो वो जो मरीज हैं जो स्वास्थ्य केंद्र तक इजीली इस कंडीशन में पहुंच नहीं पाते, उसके लिए राज्य सरकार ने मतलब लाभार्थियों को मतलब ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए डोर टू डोर मेडिसिन सप्लाई हेतु कैंप आयोजित किए हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लाल गुफा क्षेत्र में UPSC No. 2 के मेडिकल टीम द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जा रही है। सुबह से लेकर अब तक कितने पेशेंट आ चुके हैं? अभी तक हम लोग मतलब 80 के आसपास मतलब मरीजों को मतलब लाभान्वित कर सके, उसमें सभी बीपी शुगर के तो आ ही रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का, बने रहिए हमारे साथ। क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शॉपिंग चलना है? नहीं। ये लो। वाओ, प्रेमजी अग्रवाल के रसगुल्ले। अब मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे शॉपिंग नहीं चलना क्या? दिल की बात वही जाने जो स्वाद असली पहचानी। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार, इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर। का एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बीकानेर के पूरी तरह कोरोना मुक्त हो जाने के बाद सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में विशेष मीटिंग रखी गई, जिसमें कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। अस्पताल में हमारा एक कोई भी मरीज पॉजिटिव मरीज बीकानेर शहर डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, और ये हमारे SPMC परिवार व प्रशासन व CMHO प्रशासन की सम्मिलित प्रयास का नतीजा है कि आज बीकानेर शहर और डिस्ट्रिक्ट आज कोरोना से पॉजिटिव से मुक्त हुआ है, और ये भली खुशी का पल हो, मगर इससे हमें स्थिरता नहीं आनी चाहिए। हमें अब और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि बीकानेर जो है वो कोरोना मुक्त हो, और न बल्कि कोरोना ये बीकानेर शहर मुक्त हो, हमारा संभाग मुक्त हो। उसके लिए जम्भाणी आदर्श ग्रुप द्वारा लॉकडाउन और कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों सहित शहर के अनेक हिस्सों में खाद्य सामग्री वितरित की गई। अलग अलग घरों में और मोहल्लों में जरूरतमंदों को यह किट भेंट की गई। 280 किट का वितरण अभी तक किया जा चुका है। उप निरीक्षक सिटी कोतवाली कृष्णा राम सहायक उप निरीक्षक होने के साथ साथ ही सामाजिक कार्यों के लिए भी तत्पर रहते हैं। पुलिस की ड्यूटी के साथ ही वह सामाजिक कार्य करते हैं, जिसके तहत उन्होंने 280 किटों का वितरण किया। हमारे संवाददाता ने की सिटी कोतवाली के उप निरीक्षक कृष्णा राम से बातचीत। ये दिनांक 14/2020 को जामहानी आदर्श ग्रुप, जो जिस जामहानी आदर्श ग्रुप का मैं संचालन करता हूँ, पूरे भारतवर्ष में करीब मेरे 8,000 सदस्य हैं, और जामहानी आदर्श ग्रुप की ओर से ही हम ये जरूरतमंद परिवारों को सहयोग दे रहे हैं, और अब तक करीब 14 तारीख से 270
राशन की किट हैं एक माह की, वो उपलब्ध करवाए गए हैं। और जैसे ही आप मीडिया के मार्फत से, बीट कांस्टेबलों के मार्फत से मुझे जो जानकारी मिलती है, वास्तव में ज़रूरतमंद मजदूर या और भी परिवार है उसको बिल्कुल दे करके ही उसमें घर में राशन नहीं होता, ऐसे परिवारों को दे रहे हैं। अब तक कुल कितना राशन दे चुके हैं सर? 270 परिवारों को दे चुका हूँ, आज भी अभी 10 परिवारों को और दे दिया है। जैसे सोचना SBI की PP ब्रांच ने कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों के लिए आमजन को सुविधा पहुंचाने के लिए विशेष सेवा प्रारंभ की। जिन आमजन के कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में बैंक अकाउंट है, वह PP ब्रांच में अपना लेन देन और किसी भी तरह की प्रक्रिया को कर सकते हैं। हमारे संवाददाता ने की PP ब्रांच के बैंक अधिकारी से बातचीत। ये कर्फ्यू एरिया की ब्रांच है, उनका सबका काउंटर हमने पब्लिक पार्टी ब्रांच में एक एक खुला रखा है। उस एरिया के लोग जो भी हैं अपने खाते से पेमेंट यहाँ आके ले सकते हैं, चाहे भुजिया बाजार, दाऊजी रोड, जो भी केम रोड, गोगा गेट, सब ब्रांचों की एक एक काउंटर यहाँ खुला रखा, हॉस्पिटल रोड वगैरह, वहाँ के ग्राहक कोई भी आके यहाँ अपने खाते से पेमेंट ले सकता है। और जिसके पास आधार कार्ड है वो अपने हमारे ई मित्र हैं यहाँ पे इसी ग्राहक सेवा केंद्र, हाँ उस पे जाके भी अपना आधार दिखा के अपना पेमेंट निकलवा सकता है। नहीं, हमारे यहाँ तो जो ग्राहक सेवा केंद्र है उस पे ऐसा नहीं है, उसके कभी पैसे खत्म भी नहीं होते हैं। जो भी पेमेंट करता है उसके पैसे उसके खाते में वापस आ जाता है, चाहे वो कितना भी पेमेंट करेगा, कभी खत्म होने का काम ही नहीं है। जहाँ शहर के मुख्य मार्ग KEM रोड, फड़ बाजार आदि भीड़ भाड़ से सरोबार नजर आते थे, वहीं अब कोरोना संक्रमण को और लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए सुने नजर आ रहे हैं। एक समय में जहां पांव रखने की जगह नहीं होती थी, वहीं अभी सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। SDP Memorial School, co-educational English medium school. Excellent infrastructure, air-conditioned classrooms, smart classrooms, covered swimming pool. Well-equipped science lab, attractive and enhanced language and computer labs. Dance and music room, library, auditorium with a great accommodation. Systematic and holistic teaching approach, incorporation brain exercise and small group approach. Committed and dedicated faculty for excellent academic achievement. Effective student-teacher ratio 25:1. Stress-free, bias and independent learning atmosphere. Emphasis on playway methods for preschool, LKG, UKG and grade 1. Admission open for nursery to 12th. SDP Memorial School, Sri Dwarkapuri, inside Jasusar Gate, Bikaner. New campus, Sector 3, Muralidhar Vyas Nagar, Bikaner. Mobile 99839-95831, 99833-22831, 98752-73831, 96104-47606. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जहां पुलिस जागता सड़कों पर तैनात है, तो वहीं हनुमान मंदिर के पीछे भी पुलिस जवान तैनात हैं और बैरिकेड्स को सैनिटाइजर करते नजर आए। बीकानेर विकास की संभावनाओं और प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें बीकानेर के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हुए। विशेषज्ञों द्वारा बीकानेर फिर पकड़ेगा विकास रहा, आगामी ऑनलाइन संवाद में होगा। बीकानेर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन BITO ने ऑनलाइन संवाद के माध्यम से बीकानेर के शिक्षा, साहित्य, कला, तकनीक, प्रोफेशन आदि लाइन मंच पर लाकर पोस्ट COVID-19 से विशेष विशेषज्ञों को ऑनलाइन संवाद में जोड़ा। वहीं BITO के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली ने बताया कि वर्तमान समय में
एक जगह एकत्रित होकर विषय चर्चा करना संभव नहीं, इसलिए तकनीक के माध्यम से संवाद का प्रयास किया गया। इसमें विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एच डी चारण, वेटनरी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर ए के गहलोत सहित अनेक विशेषज्ञ ऑनलाइन संवाद में भाग लिया। जहां एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी के चपेट में है, तो वहीं लॉकडाउन होने के कारण लोग अपने अपने घरों में रहने पर मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के पवित्र महीने रमजान के शुरू होते ही बड़े बुजुर्ग और युवाओं के साथ साथ नौनिहाल भी माह रमजान के रोजे रखकर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। वहीं मुक्ता प्रसाद निवासी समीर खान बिहानी की पोती इनारा खान बिहानी ने, जो कि सिर्फ 7 वर्ष की है, रोजा रख के देश भर में अमन चैन की दुआ करी और कोरोना वायरस जल्द ही देश से दूर हो अल्लाह से दुआ करी। कमांडेंट होम गार्ड प्रशिक्षण केंद्र में तैनात जवानों के लिए सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए। तो वहीं कमांडेंट होम गार्ड प्रशिक्षण केंद्र में सैनिटाइजर मशीन भी लगाई गई, जिसका उद्घाटन कमांडेंट गणपत सिंह नारुका द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यालय कंपनी के कमांडर धर्म सिंह बकावत, प्लाटून कमांडर अमर सिंह, वेद प्रकाश, ओम प्रकाश सहित कनिष्ठ सहायक लाल खान उपस्थित रहे। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, बने रहिए हमारे साथ। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे, अमृत मंथन। गैस और भारीपन में लाभकारी, अस्थमा और सांस की बीमारी दूर करे, अमृत मंथन। जोड़ों का दर्द और गठिया से दिलाए राहत, घटाए वजन, अमृत मंथन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोट गेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने पवित्र माह रमजान में मुस्लिम समाज से अपील की, वहीं बीकानेर अब तक चैनल के माध्यम से नगर स्थापना दिवस के अवसर पर बीकानेर वासियों को कोरोना मुक्त होने पर बधाई भी दी। आइए दिखाते हैं आपको क्या कहना है महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित का। नमस्कार, सभी बीकानेर वासियों को रमजान के इस पवित्र माह की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आपको पता है कि अभी देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, तो मेरी सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों से अपील है कि आप रोजा इफ्तार घर से करें, नमाज व तरावी घर पे अदा करें, साथ ही भीड़भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचें, और रमजान के इस पवित्र माह में अल्लाह से दुआ करें कि हम इस कोरोना महामारी से जल्द निजात पा सके और पुनः अपने त्यौहार वैसे ही जोश से मना सके। साथ ही प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद, जय हिंद। एक नजर फिर से आज की सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर ने कई क्षेत्रों का दौरा करके लिया व्यवस्थाओं का जायजा। लाल गुफा क्षेत्र में राज्य सरकार और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए डोर टू डोर व्यवस्था करवाई गई उपलब्ध। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में बीकानेर कोरोना मुक्त होने पर रखी गई मीटिंग। जामवाणी आदर्श ग्रुप द्वारा लॉकडाउन और कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की गई वितरित।
SBI PPI ब्रांच ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के लिए उपलब्ध करवाई विशेष सुविधा। बीकानेर विकास की संभावनाओं और प्रयासों के लिए ऑनलाइन संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हुए शामिल। बीकानेर की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सिर्फ बीकानेर अब तक। शिवांगी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।